स्वागत है आप लोगों का VAA क्लासेस में। आज हम लोग नंबर सिस्टम के इस नए वीडियो में हम लोग भिन्न या फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। भिन्न या फ्रैक्शन आखिर होते क्या हैं? तो ऐसी संख्याएं जो पी अपान क्यू या कहें अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, भिन्न कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में हो और हर जीरो के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याएं या उन्हें हम भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 6/9, 3/5 और 1 भी होगा, क्योंकि अगर जहाँ कुछ ना हो तो वहाँ एक ऑलरेडी होता है। ऐसे ही आइए हम लोग जानेंगे भिन्न के प्रकार। आखिरकार भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो नॉर्मली भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सम, जिसे प्रॉपर भिन्न, विषम, जिसे इम्प्रॉपर भिन्न, और तीसरा है मिश्रित भिन्न, जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम, जिसे सरल, उचित, साधारण भिन्न के नाम से जानते हैं। वो कौन से होते हैं? तो यहाँ नॉर्मली से है, जहाँ अंश छोटा और हर बड़ा, जहाँ अंश छोटा और हर बड़ा हो, वह भिन्न सम, सरल, उचित, साधारण भिन्न होगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 3/8, 9/11, 7/13। तो यहाँ देखो अंश छोटा है हर से, जैसे 3/8, 9/11, 7/13। अब हम लोग बात करते हैं विषम या अनुचित भिन्न, जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। वो क्या होते हैं? तो बस जस्ट सम का उल्टा है, जहाँ अंश बड़ा और हर छोटा हो, अंश बड़ा और हर छोटा हो। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बस इन्हीं को पलट देते हैं हम लोग तो आसानी होगी एग्जाम्पल समझने में। जैसे 8/3, 11/9 और 13/7। तो यहाँ देखते हैं कि 8 बड़ा है 3 से या अंश बड़ा है हर से, जैसे 11/9, 13/7। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं मिश्रित या संयुक्त भिन्न, जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। वो क्या होते हैं? बस केवल विषम भिन्न का या विषम भिन्न को सही बटक में लिखना मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न होता है। जैसे यह एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे 8/3 को
सही बटा में क्या लिखेंगे? 3 दुनी 6 और 2 8, जैसे 11/9 है तो उसको सही बटा में कैसे लिखेंगे? तो 9 1 9, 9 2 11। जैसे 13/7 को कैसे लिखेंगे सही बटा में? तो 7 1 7, 7 6 13। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।